तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये रामजा रामजी ढाबे खुले में और जिंक्स अभी बैठी हुई थी। जिंक्स ने आज अंडा नहीं दिया, मैंने इसी अंडे के लिए बैठी हुई। और ये शरारी का पेड़, ये इसका अभी तक किसी के लिए इसके लिए माजी लेके आएंगी। और ये कालो का पेड़, बाकी एक बेबी अंडे के लिए बैठी हुई। और जिंक्स अभी बैठी हुई थी, जिंक्स ने आज अंडा नहीं दिया, मैंने इसीलिए अंडे के लिए बैठी हुई। और ये शरारी का पेड़, ये इसका अभी तक किसी के लिए इसके लिए माजी लेके आएंगी। और ये कालो का पेड़, बाकी एक बेबी। और ये चोटीदारों का पेड़, ये बैठी हुई। और ये शरारी का पेड़, ये इसका अभी तक किसी के लिए इसके लिए माजी लेके आएंगी। और ये कालो का पेड़, बाकी एक बेबी। और ये चोटीदारों का पेड़, ये भी शरारियों का पेड़ है। इसमें एक केरा ये आपने देख लिया था कल। इसके अंदर है ये नीलों का पेड़, मारियरी नरोरा जिसको भी दिखेगा कर लें। इसके अंदर है इनका शरारियों का ही पेड़ है, सेकंड थर्ड शरारियों का पेड़ है, ये फोर्थ शरारियों का पेड़ है। देख सकते हैं फोर्थ शरारियों का पेड़, ये इसका मेल है और ये चोटी वाली फीमेल है शरारी। अगर आपको सही नहीं दिख रहा तो इन दोनों का पेड़ है और फिर इन दोनों का पेड़, और फिर इन दोनों का भी पेड़ हमने लगाने के लिए रख दिया। और ये भी एक और चिंगा शरारियों का पेड़ अच्छी थी। और ये उनका लाल गंडेदारों का शरारियों, लाल गंडेदार का पेड़। और ये रहा आपका छोटा सा होस्ट। और अभी तोतों के पास चलते हैं, तोतों की हालत दिखाते हैं आपको। देखें कबूतरी अभी भी अंडों पे बैठी हुई है, वो जो हमने मुर्गी का अंडा रख दिया था उसके नीचे। और ये देखिए तोतों के अंडे अभी तक 6 अंडे हैं तोतों के बाद रखे हुए, जो आपको नज़र आ रहे होंगे। और इधर भी मारी होती है, इधर भी इंशाल्लाह अंडे मिल जाएंगे हमें दो जगह। और चिड़ियाओं की हालत आप देख सकते हैं। चिड़ियाओं के लिए हमने नेस्टिंग मटेरियल रखा था, वो अंदर लेना शुरू कर दिया है इन्होंने। अंदर जाना, मैं ज़रा थोड़ा ऊपर हो रहा हूँ फिर देखा। चिड़ियों ने नेस्टिंग तो लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अब पता नहीं इनके अंडे कब तक मिलते हैं हमें। इंशाल्लाह तोतों के और उनके अंडे मिल जाएंगे हमें चिड़ियाओं के। तो गाइस अभी हम लोग कबूतरों की तरफ आ जाते हैं वापस। तो गाइस अभी हम लोग ना सब कबूतरों की ब्रीड करना चाह रहे हैं। अभी हम सब कबूतरों की ब्रीडिंग कराना चाह रहे हैं। अगर और हमारी अगर ब्रीड हो जाती है अच्छी, बस हम चाह रहे हैं किसी तरीके से फर्स्ट टाइम ब्रीड करवा लें हम लोग। फर्स्ट टाइम ब्रीड करवा लें कबूतरों की, ताकि हम फर्स्ट टाइम ब्रीड करवाने के बाद ये ताकि इनके पक्के पक्के पेयर हो जाएँ। फिर इन सबको हम लोग सेट करके रखें, किसको किधर रखना है किसको किधर रखना है। हम चाहते हैं पहली दफ़ा ब्रीड करते हैं बस। एक अभी कालों का तो पक्का जोड़ा है, बस वो ब्रीड के लिए रहेगी। हम ब्रीड करें किसी तरीके से, ब्रीड आके होगा वो मादी उधर क्यों बैठी है? उसको छोड़ दी, पता नहीं घर में उसके साथ ही बैठा हुआ। देखो देखता था शायद, नहीं मादी बैठी हुई नहीं है, खड़ी है। ये है कालों को नहीं, है वाला घर पसंद आ गया, मुझे क्या पता। लेकिन करने के आते हो आप नहीं। हमने तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं आइए और ऊपर जाके आपसे जल्दी ऊपर चलते हैं, तो सामने वाली छत पे चलते हैं। 2 मिनट। आई फॉरगेट वन थिंग। चल इसको छोड़ देना मेरे साथ, चल ऊपर से। इस चीज़ को मैंने फॉरगेट कर दिया था। नहीं करो बंद, छोड़ दो। हम लोग आज आपको हमने अपनी सीढ़ियाँ भी दिखा दी। ये रही हमारी छत, सब बकरे माशाल्लाह माशाल्लाह खाने पीने में लगे। इधर भी कुत्तर, इधर भी कुत्तर, इधर भी कुत्तर, हर जगह बस कुत्तर ही कुत्तर। क्या ये मुर्गा ना बहुत बड़ा है माशाल्लाह से, कद वगैरह में बहुत अच्छा है। और ये सब चाचू की मुर्गियाँ हैं सारी, 2 बच्चे और 3 बच्चे और 2 मुर्गी। इधर एक मुर्गी अंडों पे बैठी है चाचू ही। मैंने कल तक तो अंडे थे, पता नहीं किधर हो भी सकता है खा लिया। तो आज आपने जिस तरीके से देख लिया हमने क्या क्या करा है आज के ब्लॉग में, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब कर दिया। ये देखिए इंतजार में मैं व्लॉग खत्म करूँ, फ़ौरन नीचे भाग जाए।